हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट हो गया। आ गया सभी को क्लियर? साउंड साउंड बोल रहा है कि बोल रहा है? ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, CTET की हमारी क्लास चल रही है और ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कराया जाता है। इसका एक ही फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपके लिए कि जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आप आधारित वहां पर सवाल करके जाते हैं, तो आपको बेनिफिट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये भी एक पेपर है आपका और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपका पूछे गए थे। ये पेपर है, इसमें 30 क्वेश्चंस थे, 10 प्रश्न मैंने कल करा दिए थे, 10 आज करा देते हैं, 10 कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आपकी लगभग 42वीं वीडियो होगी जो कि प्रैक्टिस सेशन की होगी, तो सोचिए 10 गुणे भी अगर 42 करते हो, हालांकि कुछ वीडियोस में मैंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं, 20 20 25 25 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो 420 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के मैं आपको करा चुका हूँ मेरे भाई। क्लियर? कितने? 420। अगर आपने यही क्वेश्चंस देख लिए और आप पेपर में जाके बैठ गए, मैं गारंटी देता हूं आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर करोगे मेरे भाई। लेकिन ऐसा स्टूडेंट करते नहीं है, उनको तो बस ये है कि सर ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। हमें मजा आना चाहिए पढ़ने में मेरे भाई। अगर आप मजे के चक्कर में हो ना, तो आप यहाँ पर बहुत कुछ खो जाओगे। सोना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये मान लीजिए एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑथेंटिक चीजें हैं। जब पेपर में यही आएगा तो फिर इसे पढ़िए ना, प्रैक्टिस ही ना, यहां से करिए ना, और यहां पर थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। जो कुछ टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको करा दिया, प्लेलिस्ट में देखिए थ्योरी के, तो कुछ ना कुछ आपको यहां से बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी करना चाहे। तो आज का अपना पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम समय बर्बाद कतई नहीं करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा जो न्यू है, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? इसको क्या बोलते हैं तार्किक? इसको बोलते हैं एनालॉजिक या लॉजियो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटीज इन लॉजियो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि की जो क्षमता होती है उसमें क्या शामिल है। अब यहां अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाते हैं तो ये किस टॉपिक की ओर ले जाता है, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था हार्वर्ड गार्डनर। मैंने सिर्फ अभी तक आपको 5-6 टॉपिक पढ़ाए हैं और उन्हीं 5-6 टॉपिक से आपकी 5-6 वीडियो, उन 5-6 वीडियो से ही आपके टोटल की टोटल CDP कंप्लीट होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया था वो दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया था मेरे भाई? इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बुद्धि को कुल मिलाकर 8 प्रकार का बताया था। कितने प्रकार का बताया था? तो इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार का बताया था। 8 प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत अगर बात करें तो तार्किक गणितीय बुद्धि ये भी एक बुद्धि का प्रकार है। क्या है? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये भी एक उनमें से एक बुद्धि का प्रकार है। अब इसके अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत क्या आ जाता है? तर्क करने की क्षमता आ जाती है। क्या? तर्क करने की क्षमता। सर तर्क करने की क्षमता है तो बच्चा क्या कर पाएगा? तर्क कर रहा है तो चीजों को अलग अलग कर पाएगा, यानी कि वर्गीकरण कर पाएगा। अगर बच्चा तर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं पैटर्न बना पाएगा। क्या? पैटर्न बना पाएगा। अगर बच्चा कहीं ना कहीं तर्क कर रहा है तो विचारों के बीच संबंध भी बना पाएगा। हालांकि ऑप्शंस तो आपको दिख गए होंगे, लेकिन सर ऐसे बताइए, ऑप्शंस को ही तोड़ तोड़ के बताइए कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर। तो यहां पर अगर आप मेरे भाई देखोगे, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल होंगे मेरे भाई, दो से अधिक शामिल होंगे। और यहां पर एक वर्ड है स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है स्पेशल। और बुद्धि के जो 8 प्रकार बताए थे उनमें से एक प्रकार की बुद्धि होती है आपकी स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है? इसमें जिसको मानचित्र की, मान लो किसी को जगह के बारे में, मानचित्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, ऐसे व्यक्तियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक्स कौशल। और जिनको जगहों के बारे में, जैसे आप खान सर को बोल सकते हो, तो उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर है?
क्लियर। ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं उनको स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि उनको मानचित्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस ये तो तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रकार नहीं है, क्लियर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लय ताल स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीला, तो इसको जो होती है ये होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस होती है जिसके अंतर्गत संगीत में बुद्धि कहा जाता है, वो स्वर को लय को ताल को पहचान लेते हैं, तो वो होगी। तो ये तो आंसर होगा नहीं। विशिष्ट पिचों स्वर और लय ताल के बीच अंतर करना, तो ये भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच में संबंध स्थापित करना, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं तार्किक गणितीय बुद्धि के प्रकार को दर्शाता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। तो ऑप्शन फोर क्यों सही है, डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। अब क्यों है ये आपने समझ ही लिया, क्लियर है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे, हिंदी वाले हिंदी में देंगे, बाकी आप लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए स्टेटमेंट दे रखा है मेरे भाई कि सूरों में जेंडर भूमिकाओं पर रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। बताइए क्या सही बात है, ये क्या ये बात सही है। देखिए किशोरों में जेंडर भूमिका, जेंडर भूमिकाओं में बात करें तो अभी किशोरों की जेंडर भूमिका और रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। देखिए बड़े बड़े जो कार्टून्स देखने को मिलते हैं, जो आपको विज्ञापन के रूप में देखने को मिलते हैं, फिल्में देखने को मिलती हैं। अब एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टॉयलेट, क्या उसका प्रभाव नहीं है समाज के ऊपर, तो उसका समाज के ऊपर प्रभाव है। टॉयलेट बनाइए, शौचालय का स्थापना कीजिए, तो कहीं ना कहीं विज्ञापनों का फिल्मों का प्रभाव पड़ता है चीजों पर। अब देखिए हमारी रूढ़वादिता क्या है, रूढ़वादिता का मतलब है जो 100 साल से हजारों साल से परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन समय के साथ हम उनके उनमें कोई परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रूढ़वादिता बन जाती है। समय की आवश्यकता के साथ नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, जब तक आप नियमों में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो क्या कहलाएगी, रूढ़वादिता। भाई जो चीज आज से 100 साल पहले अच्छी थी, जरूरी थोड़ी है वो नियम आज भी अच्छा हो, उसमें परिवर्तन करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो रूढ़वादिता जो चली आ रही है, अब पहले क्या होता था कि लड़कियों से बोला जाता था आप फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब तो वर्ल्ड कप भी चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी सशक्तिकरण की ओर ले जाना होगा, उनको भी आगे बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि लड़की क्रिकेट नहीं खेलेगी, फुटबॉल नहीं खेलेगी, अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को दर्शा रहे हो या जेंडर स्टेरियोटाइप्स को दर्शा रहे हो, लैंगिक पक्षपात को भी दर्शा रहे हो और जेंडर रूढ़वादिता को भी आप दर्शा रहे हो। तो फिल्में और विज्ञापन इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, जब से सोशल मीडिया आई है तो इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा देखने को मिल भी रहा है हमारे समाज पर। क्लियर है मेरे भाई, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मीडिया समाजीकरण की शक्तिशाली एक प्राथमिक संस्था है। मीडिया के बारे में बात करें तो ये प्राथमिक संस्था नहीं होती, ये सेकेंडरी एजेंसी होती है, सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी होती है। मेरे भाई दो प्रकार की एजेंसी होगी, एक होगी प्राइमरी एजेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी एजेंसी, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था समाजीकरण की। प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आपका परिवार आ जाता है और द्वितीयक संस्था और इसके अंदर आस पड़ोस भी आ जाता है। द्वितीयक संस्था के अंतर्गत हम बात करें तो स्कूल आ जाता है, इसके अंतर्गत आपका मीडिया आ जाता है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जो भी होगा, टेलीविजन वगैरह जो भी होगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट होंगे। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड को लगाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। स्टेटमेंट सही है भाई लेकिन रीजन गलत है, बाकी ये कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंदू की चाची से कहूँ ना प्यार है। सही होगा भाई ये कहना, ध्यान नहीं देंगे भाई, कोई चंदू है बुरा ना माने, क्योंकि हम सिर्फ आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, देखिए विभिन्न वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा भी हो सकता है, अति पिछड़े वर्ग से आया हुआ बच्चा भी हो सकता है, आपका मल्टीलिंग्विज्म बच्चा भी हो सकता है, एक ही क्लासरूम के अंदर पंजाबी तमिल के मलयालम या हिंदी इंग्लिश बोलने वाला भी बच्चा हो सकता है, तो ये वंचित पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हो सकते हैं, तो इनको किसमें गिना जाएगा, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चों में काउंट किया जाएगा। क्लियर है, तो बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, एज ए टीचर आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, तो ऑप्शन
लेते हैं गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करके। मेरे भाई आप करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, अगर आप करिकुलम को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करिकुलम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि संदर्भित हो, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए आपका जो भी करिकुलम है। ऐसा नहीं होना चाहिए गैर संदर्भित, जिसका बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं है उसको आप पढ़ाकर करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो स्टेटमेंट गलत है ये बात तो, क्लियर। विभेदित निर्देश लागू करके इसको बोला है इंप्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ाकर, देख लेते हैं बाकी आगे पढ़ते हैं। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करके, कभी भी आप मानकीकृत मूल्यांकन को पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उनका पालन करने पर तो नहीं होगा भाई। स्टैंडर्डाइज आपका करिकुलम नहीं होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम के अंतर्गत, तो ये भी बात गलत होगी। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें आप, मतलब अभ्यास ही कराएंगे, जो बहिष्करण प्रथाएं उनका अभ्यास कराते रहिए। प्रैक्टिस एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड ऑप्शन, हालांकि ये भी आंसर इतना ज्यादा सही नहीं था लेकिन बेस्ट चूज करना था तो मेरे भाई इसमें से तो यही निकलेगा, और तो कोई निकलने से रहा, क्योंकि बेस्ट चूज करना था तो सेकंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे अब क्योंकि फास्ट करना जरूरी है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आकलन, आकलन के बारे में इनमें से कौन सा सही है। आकलन को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। चलिए आकलन को सीखने से नहीं जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जोड़े भाई सीखने से, तो फिर आकलन कर किस बात कर रहे हो। जब असेसमेंट आप करने की बात कर रहे हो, असेसमेंट आप करने की बात कर रहे हो तो फिर उसको करिकुलम से जोड़ोगे क्यों नहीं, सीखने से क्यों नहीं जोड़ोगे भाई, जोड़ना तो पड़ेगा। फिर आप आकलन बेफालतू का कर रहे हो, कोई फायदा नहीं निकलने वाला ऐसे आकलन का, आगे पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं थी, कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट है आकलन को बच्चों की समान क्षमता समूह, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं कम सीखने वाले, ज्यादा सीखने वाले, उनके अंतर्गत क्लासिफिकेशन करने की बात कर रहे हो, रैंकिंग करने की बात कर रहे हो, लेवलिंग करने की बात कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन करने की बात कर रहे हो, यानी कि बच्चों को अलग अलग बांटने की बात कर रहे हो आप। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो मेरे भाई उनके अंतर्गत हीन भावना पैदा हो जाएगी एक दूसरे के प्रति कि भाई ये तो ज्यादा नंबर लाता है, मैं कम नंबर लाता हूं, ज्यादा नंबर वाले को मास्टर साहब आगे बिठा देते हैं, कम नंबर वाले को मास्टर साहब पीछे बिठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप भेदभाव करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो ये तो क्या हो जाएगा, भेदभाव की भावनाएं भी वहां पर उत्पन्न हो सकती है, तो ये तो निपट गया, ये तो होगा ही नहीं। आकलन को बच्चों के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये इसको क्या है आप एक अभिन्न अंग बोल सकते हो। तो शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, तो आप ऐसा बोल सकते हो। और ये फर्स्ट था शुड डायरेक्ट लर्निंग एंड व्हाट हैज टू बी असेस्ड शुड बी डिटरमाइंड व्हाट इज टू बी टॉट, ये तो ठीक है लेकिन यहां पर जो बेस्ट सही है वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर, क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर लगाएंगे, आंसर बहुत ज्यादा सरल है। एंड प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग यानी कि सीखना क्या है, तो व्यक्तिवादी और निष्क्रिय, सीखना अगर निष्क्रिय होता पैसिव होता, सीखना अगर पैसिव होता तो फिर कोई सीख ही नहीं पाता, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, बात ठीक है, परीक्षा उन्मुख नहीं होना चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, यह आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पार्ट का हिस्सा भी होना चाहिए, बाल केंद्रित होता तो सही हो जाता। तो सक्रिय एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करें, समाज का रूप वहां पर बन सके, ऐसी भावनाएं आपको वहां पर करनी पड़ेंगी। मतलब क्लासरूम के अंतर्गत भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जैसे लोकतांत्रिक अवस्था है, जहां पर कोई भी बच्चा टीचर से कुछ भी पूछ सके, ऐसा लगना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी का हिस्सा बन के आप क्लासरूम के अंतर्गत बैठे हुए हैं, क्लियर। तो क्लासरूम के अंदर भी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है ताकि बच्चा अपने क्वेश्चंस को पूछ सके। अभिकथन क्या दे रखा है मेरे भाई, जब पढ़ लेते हैं, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, कभी भी मानकीकृत का नहीं करना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम का पालन करना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान दिशा में काम करने चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही होता है कि आप सभी को समान अवसर देंगे, सभी को एक ही दिशा में, सभी को
एक जैसा देखेंगे सभी को पढ़ाने की, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा हो या फिर अमीर घर से भी आया हुआ बच्चा क्यों ना हो, तो आप उनको क्या है एक एक ही सरसरी नजर से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको अलग अलग भावनाओं से देखेंगे, तो ऐसा गलत होगा। तो ये बात सही है, तो ए गलत है, तो ए सही है, ए सही है, ए सही है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, फोर्थ ऑप्शन वैसे सही हो गया, स्टेटमेंट से ही निपट गया भाई सर, क्लियर है। तो कभी कभी आपकी चालाकी आपका काम कर देती है, बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन है जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, समावेशी कक्षा का मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में, जहां पर हर प्रकार का बच्चा होगा, मल्टी लैंग्वेज बच्चा भी होगा, वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा भी होगा, अति पिछड़े वर्ग से आया हुआ बच्चा भी होगा, और अमीर घराने का बच्चा भी देखने को मिल सकता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, भाई साहब क्लास इंक्लूसिव क्लासरूम थोड़ी होगा अगर अवास्तविक है, ठीक है। तो ऐसा क्लासरूम है जहां इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो वहां सभी के सभी एक जैसे होने चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते, आप कैसे कह सकते हो अप्रेरित नहीं होते, आप भगवान हो, आप कौन हो, हु आर यू, आप हो कौन, मतलब आप ही सब कुछ बता दोगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अप्रेरित नहीं होते, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी अभिप्रेरित होंगे। शिक्षकों को शिक्षण पद्धतियों में, अच्छा पहला गलत है दूसरा गलत है, तो सही पूछा था आपसे, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बच्चे दो ही ऑप्शन, अब देख लेते हैं कौन सा होगा। अच्छा फर्स्ट भी गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, पढ़ लेना भाई आप लोग, एक क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ूंगा इस वाले को, आप लोग पढ़ लेना, मैंने आंसर लगा दिया आपके सामने, हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर तो काम चल गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से अटकर, बहुत अच्छा प्रश्न है, लीक से अटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका अपसारी चिंतन के लिए, किसके लिए, अपसारी चिंतन के लिए, इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि इसको बोल सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब हो गया बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, जो भी वो सोच रहा है उसमें ऐसा नहीं है। देखिए एक टीचर होता है, बहुत सारे टीचर क्या है जो पढ़ा दिया उसी को रिपीट करने में लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक टॉपिक को समझा रहे हैं, 10 साल पहले भी वैसे ही समझा रहे थे, आज भी वैसे ही समझा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने खुद के अंदर परिवर्तन नहीं किया है, तो वो कन्वर्जेंट का हिस्सा होगा ना कि डाइवर्जेंट का, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो सही होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपसारी चिंतन सही हो जाएगा। वैसे आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कल हमारे साथ धोखा हो गया था भाई, धोखा क्या हुआ, कल यही क्वेश्चन पढ़ा रहे थे और पता चला बनाते बनाते वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब 20 मिनट का वीडियो कम से कम ये मान लीजिए बर्बाद हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए होता है, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट है शिक्षा के समावेश का अर्थ है, तो विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रावधान, सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में नियोजन, ना जी ना, समावेश व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों में बांटना, यह भी नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है, समावेश का मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में आप सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करेंगे, यानी कि सभी को एक ही दिशा में सिखाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वन क्वेश्चन है, पठन वैकल्य मुख्यतः किस में चुनौतियों से संबंधित है, तो पठन वैकल्य को बोला जाता है डिसलेक्सिया, और इसमें जो आती है आपकी पढ़ना और लिखना, अगर इससे संबंधित होता तो आपका क्या हो जाएगा, पठन वैकल्य, तो वो यहाँ पर पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, बाकी लिखने के लिए स्पेशली डिसग्राफिया भी होता है, लिखने से संबंधित डिसअफेजिया भी होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डिसअफेजिया का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई डिसकैलकुलिया, तो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होता है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बहारो फूल बरसाओ,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? भाई मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या होगा? नहीं है तो सहकारात्मक अधिगम ये तो होता है भाई, तो ये तो गलत हो गया। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन ये भी है, उपयुक्त समायोजन ये भी है, मानकीकृत निर्देश ये नहीं होगा, और नहीं होगा इसी वजह से ये सही है क्योंकि आपसे पूछा था गलत क्या है, गलत पूछा था इस वजह से ही ये ऑप्शन सही है। तो आज के आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी आप लोगों ने देख ही लिए कैसे बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इन वीडियोज़ को शेयर नहीं करते, तो आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की मात्रा अभी बहुत ज़्यादा कम है और ये स्टूडेंट की मात्रा बढ़ेगी, समय के साथ बढ़ेगी, समय के हिसाब से बढ़ेगी, हमें भी पता है ये तो, क्योंकि सोने की पहचान या हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, सोने की पहचान जौहरी को ही होती है, तो धीरे धीरे सोना बनने में हमें समय लगेगा और हम बन भी जाएंगे, हमें उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग इन वीडियोस को शेयर नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। शेयर आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, लास्ट में बोल रहा हूँ, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियोज़ में, अभी तक मैंने 40-41 वीडियो करा दी इसी CDP की, लेकिन अभी तक नहीं बोला। तो पहली वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियोस पहुँच जाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।